मानस कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट पिथौरागढ़ में वॉक इन इंटरव्यू शुरू हो गए हैं। अंतिम तिथि 30 मार्च 2024 है। उच्च शिक्षा में दीर्घकालिक करियर तलाशने हेतु संपर्क करें। नमस्कार, N9 में आपका स्वागत है। पेश है आज की मुख्य खबरें। भारत नेपाल सीमा सील होने के बाद झूलाघाट कस्बे में सन्नाटा पसर गया। 90% से अधिक दुकानदारों ने अपनी दुकान बंद कर दी है। दुकानदार अपने गांव की ओर लौट गए। झूलाघाट कस्बे का अधिकांश व्यापार नेपाल पर टिका हुआ है। भारत में चुनाव के चलते मतदान समाप्ति तक सीमा सील की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी रीना जोशी ने बताया कि निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार लोकसभा सामान्य निर्वाचन के सफल संपादन के लिए दूसरे दिन LSM डिग्री कॉलेज से 63 मतदान पार्टियां रवाना हुई। बुधवार को जनपद के चारों विधानसभा में से धारचूला की 48, डिडीहाट की 4, पिथौरागढ़ की 11, कुल 63 मतदान पार्टियां चुनाव सामग्री के साथ रवाना हो रही हैं। पिथौरागढ़ जिला पंचायत अध्यक्ष के पति एवं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष वीरेंद्र बोरा पर जिला पंचायत के अभियंता अनिल जोशी ने धमकाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कोतवाली में दी गई रिपोर्ट में कहा है कि वीरेंद्र बोरा उन पर कुछ पत्रावलियों पर दस्तखत करने के लिए दबाव बना रहे हैं, जबकि पत्रावली अभी पूरी नहीं है। वर्तमान में वह सेक्टर मजिस्ट्रेट का कार्य भी देख रहे हैं। कोतवाल राजेश यादव ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जांच उप निरीक्षक शंकर सिंह रावत को दी गई है। इधर वीरेंद्र बोरा ने कहा कि उन पर लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद है। अभियंता आम जनता के हितों से जुड़े मामलों को लटका रहे हैं। वे स्वयं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं। काम नहीं होने से जनप्रतिनिधि के तौर पर जनता उनसे जवाब मांग रही है। श्री शिवाश्रम सेवा संस्थान में 21 से 27 अप्रैल तक श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन होने जा रहा है। आश्रम परिवार ने किया समस्त जनमानस को ज्ञान यज्ञ में आने के लिए सादर आमंत्रित। जिला मुख्यालय के कामाख्या मंदिर में नवमी पर्व पर दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से लेकर देर शाम तक सैकड़ों भक्तों ने मंदिर पहुंचकर शीश नवाया। मंदिर के पुजारी दिलीराज भट्ट ने विधि विधान से पूजा अर्चना कराई। मंदिर समिति के हरि बाबू शर्मा और सतीश शर्मा ने बताया कि दोपहर बाद मंदिर में अखंड रामायण शुरू हो गया है, जो 24 घंटे तक चलेगा। इसके बाद मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन होगा। उत्तराखंड पर्यटन विभाग की ओर से संचालित आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा के तीसरे दिन सुबह 6:30 बजे पहली शिफ्ट में 4 यात्री और दूसरी शिफ्ट में 5 यात्री राजस कंपनी के MI-125 हेली से गुंजी पहुंचे। जिला पर्यटन अधिकारी कीर्ति आर्य ने बताया कि गुरुवार को बचे हुए 4 यात्री गुंजी जाएंगे। बुधवार को कोई भी दल नहीं पहुंचा। यात्रियों को पुलिस लाइन से गुंजी ले जाया गया। यात्रा का आयोजन ट्रिपू टेम्पल कंपनी की ओर से किया जा रहा है। अब ILC लेकर आ रहा है आफ्टर स्कूल प्रोग्राम फॉर किड्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कल्चरल अवेयरनेस, इंडोर आउटडोर एक्टिविटीज, स्टोरी टेलिंग और भी बहुत कुछ। अभी संपर्क करें। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की खबरों को देखने के लिए न्यूज इंडो नेपाल को सब्सक्राइब करें। आप कमेंट बॉक्स में न्यूज संबंधी सुझाव भी दे सकते हैं। NIN सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।